हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया डिजाइन लेकर के आई हूँ। यह बहुत ही सिंपल है लेकिन बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। यह जो है तीन फंदों की डिजाइन है और यह चार सिलाइयों में डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए इसे हम बनाने के लिए सीखते हैं। आप तीन के मल्टीपल में फंदे ले लीजिएगा और दो फंदे एक्स्ट्रा ले लीजिएगा दोनों साइड से रखने के लिए। तो देखिए, ये हमने दो सिलाइयां उल्टी और सीधी बना ली हैं। तो देखिए, हम डिजाइन शुरू करते हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया, दूसरा भी हम उतार लेंगे, तीसरा फंदा को हम सीधी बुनेंगे, चौथा फंदा को भी हम सीधी बुनेंगे और ये इस प्रकार से करके हम ऐसे इस वाले फंदे को बुन लेंगे। देखिए, फिर हम एक फंदा उतारेंगे, फिर दूसरे फंदे को हम बुनेंगे और तीसरे फंदे को भी हम बुन लेंगे। फिर ये वाला फंदा जो हमने उतारा था उसे इस प्रकार से ला करके चढ़ा देना है इधर से, और फिर इस वाले फंदे को जो हमने उधर से लाया उसे हम इस प्रकार से बुन लेंगे। फिर हम एक फंदा उतारेंगे, फिर दूसरे फंदे को हम बुनेंगे और तीसरा फंदा को भी हम बुन लेंगे। फिर जो ये फंदा हमने उतारा था उसे इस प्रकार से ला करके हम एज इट इज इस प्रकार से बुन लेंगे। सेम यही प्रोसेस हमें पूरे सिलाई में दोहरानी है। पूरी की पूरी सिलाई ऐसे ही बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है और यह कम समय में आप बना सकती हैं। बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। ये मैंने अपने बेटे के स्वेटर में डाला हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, लास्ट वाला हमारा एक बच गया जो हमने साइड में डालने के लिए बोला था, वो हमने डाल दिया है। अब देखिए, पीछे से की पूरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। पीछे से हम पूरा सिलाई इसी तरह से उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, हमने उल्टी साइड ही कंप्लीट कर ली है। अब सीधी साइड से हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। ये हम पूरी की पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। इस प्रकार से हम पूरी सिलाई सीधी बना लेंगे। हमने इधर से सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम वापस उल्टी सिलाई बनाएंगे। पूरी उल्टी सिलाई हम बना लेंगे। ये देखिए, पूरी सिलाई हमने उल्टी बना ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रो कंप्लीट कर लिया है, तीसरा रो। फिर से हम चौथा रो में आएंगे, फिर से हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। दो घर हमने उतार लिया, तीसरा और चौथा को हमने बुन लिया। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे जो पहले हमने किया था। फिर एक घर हम उतार लेंगे और दूसरा और तीसरा घर को हम बुन लेंगे। फिर से वही प्रोसेस हम दोहराएंगे जो हमने शुरू में किया है। ये देखिए, इसी प्रकार से हम पूरी सिलाई बनाएंगे।
देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद ये डिजाइन। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये डिजाइन, कितना खूबसूरत लग रहा है, उभर उभर के आ रहा है ये डिजाइन। देखिए बेबी के स्वेटर में बनाइएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। इसे आप कार्डिगन में भी बना सकते हैं या जेंट्स के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा ये डिजाइन। देखिए उठा उठा हुआ टाइप का लग रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें, लाइक भी कीजिए। थैंक यू।